हेलो और नमस्कार दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में यहाँ पर कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। मानसून का इंतजार हम बेसब्री से करते हैं। 1 जून को जब मानसून टकराता है केरल कोस्ट पर, उसके बाद से ही किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन इस बार मानसून लेट आया और लेट आने के साथ साथ धीमा भी होता गया। अगस्त के महीने में होने वाली बारिश सामान्य से 33% कम रही। सितंबर के महीने में तापमान 40 के ऊपर चला गया। ऐसे में किसानों की हालत लगातार खराब होते जा रही है। सूखे की स्थिति विकराल होते जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी विषय की कि आखिर मानसून की स्थिति ऐसी क्यों हुई, क्या है अलनीनो और क्या अलनीनो का असर पहले भी भारत में देखा गया है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है मौसम, या इसे कहें सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, अर्थात विंड जिस दिशा में आती है उसी दिशा से लौटती है। जब अरब के लोग भारत में ट्रेड करने आते थे तो यह हवाएं उनका सपोर्ट करती थीं और लौटते समय भी यह हवाएं उनका सपोर्ट करती थीं। इस वजह से इसको नाम दिया गया मानसून। देखिए, मानसून बेसिकली उठता है हिंद महासागर से और आकर टकराता है केरल कोस्ट पर। केरल कोस्ट के बाद इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, एक बे ऑफ बंगाल की और एक अरब सागर की। अरब सागर की ब्रांच केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ पार्ट, इसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर तक में बारिश कराती है। अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो यह तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल होते हुए जाके टकराती है गारो खासी जयंतिया। हिमालय से टकरा कर यह मुड़ती है भारत के विशाल मैदानों की तरफ, जहां पर यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है और जाती है उत्तराखंड, जहां पर ये काफी ज्यादा रेनफॉल कराती है। इस तरीके से भारत में मानसून आता है। लेकिन इस बार मानसून की स्थिति बहुत खराब रही, बिकॉज अलनीनो आया। आखिर अलनीनो क्या है, डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप इस विश्व के मैप को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर एक देश है, उसका नाम है पेरू। पेरू के पास कोल्ड करंट फ्लो करती है। इस करंट का नाम है हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट। लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण यह पेरुवियन करंट अपना नेचर धीमे धीमे बदलते जाती है। पेरुवियन करंट का नेचर होता है कोल्ड, लेकिन सूर्य के प्रभाव में यह धीमे धीमे गर्म हो जाती है। जब यह करंट ठंडी होती है तो उस वजह से हिंद महासागर पर भारी दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली बारिश तेज हो जाती है। लेकिन जब यह करंट गर्म होने लगती है, जिसे अलनीनो कहा जाता है, तो हिंद महासागर पर बनने वाला दबाव कम हो जाता है। इसकी वजह से भारत में आने वाली बारिश कम हो जाती है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कई बार अलनीनो के प्रभाव को भारत में देखा गया। अगर आपके सामने यह डेटा जो मैं दे रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि भारत में जब जब सूखा पड़ा तब तब अलनीनो का प्रभाव हमने यहाँ पर देखा है। अगर आप देखेंगे तो 1957-58, 65-66, 66-67, 71-72 में बड़े स्तर का सूखा पड़ा और अलनीनो का असर यहाँ पर देखा गया। 1976-77 में सूखा कम पड़ा, अलनीनो का असर कम रहा। 1989-80 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, अलनीनो का भी असर यहाँ पर रहा। 86-87 में कुछ इलाकों में सूखा रहा, अलनीनो का हल्का असर रहा। ऐसे में आप और डेटा को देखेंगे, 18-19 में भी अलनीनो का असर भारत में देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं अलनीनो का प्रभाव भारत के मानसून पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ऐसे में देश पूर्णतया निर्भर है मानसून पर। अगर हम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगहों पे मानसूनी बारिश के माध्यम से ही खेती होती है। ऐसे में मानसूनी बारिश अगर नहीं होगी तो खेती कम होती जाएगी, और अगर भारत में खेती कम होगी तो उसकी वजह से किसानों की आय पर प्रभाव पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी रॉ मटेरियल के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अगर कृषि कम होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी नीचे जाती जाएगी। चाहे हम जूट की बात करें, चाहे कपास की बात करें, चाहे चावल, गेहूं और दालों की बात करें, इन सब का उत्पादन कम होता जाएगा। भारत में जो मानसून आता है उस समय भारत में खरीफ की फसल बोई जाती है, और इसमें मुख्य फसल हमारे यहाँ चावल है। भारत की मुख्य फसल चावल है, आधे से अधिक देश चावल पर निर्भर करता है।
ऐसे में अगर मानसून खराब होगा तो भारत में चावल का उत्पादन भी कम होता जाएगा और इस वजह से भारत में खाने की समस्या पैदा हो सकती है और चावल के दाम अचानक से ऊपर जा सकते हैं, जिसकी वजह से भारत में महंगाई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एल नीनो का प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा पड़ता है और भारत में बारिश कम होती जाती है। लेकिन इसका एक विपरीत प्रभाव भी देखा जाता है जब एल नीनो की जगह पे ला नीना आता है। वापस से चलते हैं अपने इसी साउथ अमेरिका की तरफ और यहाँ पर आप देखते हैं पेरुवियन करेंट जब अपने नेचर को एक्सट्रीमली कोल्ड कर लेती है, इस वजह से ला नीना की सिचुएशन पैदा होती है और जब ला नीना आता है उसकी वजह से हिंद महासागर पर दबाव ज्यादा हो जाता है और यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि भारत में बारिश बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब पेरुवियन करेंट अपने नॉर्मल नेचर में है तो भारत में मानसून अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है। वहीं पर एल नीनो आने पर भारत में मानसून खराब होता है, सूखे की स्थिति पड़ती है और अगर कभी ला नीना आता है तो उस वजह से भारत का मानसून बहुत स्ट्रांग होता है और उस वजह से भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने बात करी मानसून की स्थिति को लेकर। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।